नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पीछे का पार्ट हमने जो आपको वीडियो में बताया था उससे आगे का डिज़ाइन अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए अब आगे का डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब जो हमने बगल में बनाया हुआ है डमरू, इसी के ऊपर एक डमरू हमें और बनाना है। तो अभी के वीडियो में हम डमरू बनाएंगे। बस आपको थोड़ा सा घूमने के टाइम ध्यान देना होगा, नहीं तो ऐसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपको घूमना होगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें ऊपर की ओर जाना है तो इसके ऊपर जाएंगे, और जाने के बाद सेम जो बगल में अभी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है उसी तरीके का यहाँ पे भी बनाएंगे। ऐसे ही धागे से मिला मिला के हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी जो हम आपको बेडशीट का डिज़ाइन बता रहे हैं ये कॉर्नर का डिज़ाइन है, और आपको पूरा डिज़ाइन मिलेगा इसमें। हम स्टार्टिंग से आपको बनाना बता रहे हैं और लास्ट तक, जब तक हमारा ये बेडशीट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वीडियो आपको मिलती रहेगी। हर एक बात आपको हम बताते रहेंगे। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई भी बताएंगे। और हो सकता है कि कोई तरीका मेरा बताने का आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो वो तरीका भी हम बदलने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि आपको हमारी डिज़ाइन समझ में आ रही है या नहीं। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, या कोई और आपको डिज़ाइन चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही बेल आइकन है जो उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर सिंधी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम ऊपर की ओर डमरू बना रहे हैं आपको देख के समझ में आ गया होगा, क्योंकि बगल में भी हमने इसी तरीके से बनाया था। बस आपको घुमाना पड़ता है डिज़ाइन को, इधर उधर करके बनाना है, लेकिन सब जगह एक ही तरीके का बनेगा। थोड़ा सा अंतर होता है, एक बार अगर आप सिंधी को समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात आपको बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते थे कि बहुत दिन हो जाता है सिंधी बना के छोड़ना तो आदमी भूल जाता है, तो इस तरीके का एक खाका तैयार करके और एक पुराने कपड़े पे भी आप इसको रख सकते हैं। जब भी आप नया बना रहे हैं तो उस पे देख के और उसको मिला के आप सीख सकते हैं, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, अब हमारा डमरू ये भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर नीचे की ओर उतरेंगे और बीच से
डमरू जैसा ही बनाएंगे, लेकिन डमरू से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। वो चकोर होता है, ये तीन कोने का होता है, वो चार कोने का होता है इसके ऊपर जो बनाएंगे हम, और उसी में आगे अटैच भी करना होता है तीन तरफ से। तो अभी वही वाला बनाएंगे हम, डमरू से थोड़ा सा अलग होता है। उसी तरीके से जैसे हमें स्टार्ट करना होता है दूसरी तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो जैसा यहाँ नीचे घर है उसी के तरीके का घर ऊपर बना लेते हैं और उससे ऊपर हम चले जाते हैं। अभी तक जो भी डिज़ाइन हमने आपको बना के दिखाया वो देखिए मिला के बता रहे हैं। जो पान स्टार्टिंग वाला है, उसके बाद ये डमरू है, उसके बाद इसको मथेला बोलते हैं, वही चीज़ हम ऊपर गए हुए दोनों साइड का डमरू बना लिए हैं, उसमें अटैच कर लिए हैं डमरू में, फिर ऊपर बना लिए हैं ये वाला पार्ट। और इसके बाद नीचे उतरे, फिर हम नीचे उतरने के बाद नीचे उतरे हैं और नीचे उतरने के बाद यहाँ तक आए, और आने के बाद यहाँ पर हमें चकोर बनाना है, पान की तरह नहीं बनाना है, चकोर बनाना है, और उसी में तीनों तरफ से जुड़ के ये बड़ा सा तैयार हो जाएगा। तीनों तरफ चारों तरफ से जुड़ेगा, तो ये उसका एक छोटा पार्ट ये है, वही हमें अभी तैयार करना है। उसके नीचे सेम डमरू जैसा ही बनता है। अभी हम इतना ही आपको बता रहे हैं, इसके आगे का कल के वीडियो में बता